आज हमने आपके लिए बनाया है पास्ता एकदम नए अंदाज में, जिसका स्वाद है बहुत ही लाजवाब। इतना टेस्टी पास्ता आप पहले कभी खाए नहीं होंगे। इसमें हमने डाला है कुछ अनोखे इंग्रेडिएंट्स जो घर पर अवेलेबल हो और ज्यादा महंगा भी ना हो। तो कम खर्च में बनने वाली ये स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी पास्ता आप रोज बनाकर खाना चाहेंगे और इसे ट्राई करने के बाद आप दूसरा पास्ता भूल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम नए स्टाइल में ये डिलीशियस पास्ता। तो ये रेसिपी को पूरा देखिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम पास्ता को उबाल लेंगे। तो उसके लिए एक सॉस पैन में हमने 4 कप पानी उबालने के लिए छोड़ देंगे और ये उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, जो है एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट। पास्ता में सही स्वाद लाने के लिए अभी नमक डालना ज़रूरी है। उसी के साथ डालें 1 छोटा चम्मच तेल, बहुत ही कम डालें। इससे पास्ता बिल्कुल परफेक्ट बॉयल होगी और बिल्कुल स्टिकी नहीं बनेगी, एक दूसरे से अलग रहेगी। तो अभी ये उबालते हुए पानी में हम डालेंगे पास्ता और यहाँ पर हमने लिया है 2 कप फुसली पास्ता। ये ऐसे स्पाइरल शेप की होते हैं, ये देखिए, पर आप चाहे तो कोई दूसरे टाइप के पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये वाले पास्ता था तो इसीलिए इससे हम आज पास्ता बनाएंगे। और दोस्तों, देखने में ये सबसे खूबसूरत पास्ता है। तो अभी इसे हाई फ्लेम पे 80% बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में 1 चम्मच से आप इसे चलाते रहें, क्योंकि उबलते टाइम पास्ता अक्सर पानी में नीचे बैठ जाते हैं। 6-7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा पास्ता 80% बॉयल हो चुकी है, पर इसे अभी चेक करना है कि ये एकदम सही तरह से पके है कि नहीं। तो अब हम आपको दिखाते हैं ये पास्ता को कैसे चेक करना है। 1-2 पास्ता लेकर इसे ऐसे चाकू से काट के देखें, तो इसके बीच में ये सफेद वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये एक निशानी है कि हमारा पास्ता एकदम सही तरह से पके है। तो अभी हम इसे हाथों से ऐसे तोड़ के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हल्का सा कच्चापन अभी भी इसमें है, पूरी तरह से ये एकदम पके हुए नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमें पास्ता को उबाल लेना है। तो झटपट गैस बंद करके पास्ता को हम एक छन्नी में छान लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये पास्ता वाला पानी हम एक कप में थोड़ा सा बचा कर रख देंगे, ताकि बाद में हम इसे यूज कर सके। ये पास्ता वाला पानी यूज करने से हमारा पास्ता बनेगी बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो थोड़ा सा पानी बचा कर रख दें और इसे इस तरह से छान लें। आप देख सकते हैं हमारा पास्ता कितना खिला खिला बनी है। एक एक पास्ता अलग अलग है, बिल्कुल स्टिकी नहीं बने हैं। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो अब चलिए भेजीज तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे एक पैन। पैन को थोड़ा सा हीट करके इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घिसा हुआ लहसुन और साथ में 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक। अदरक और लहसुन को कुछ सेकंड्स भून लेना है, बस इनके कलर को चेंज ना करें। इनको हमें हल्का सा सॉटे कर लेना है। कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे डाल देती हूँ 2 चॉप्ड मिर्च। ये लाल कलर का मिर्च है, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे डालें 1 चॉप्ड प्याज। तो प्याज को हमें हल्का सा सॉटे कर लेना है जब तक इसका कलर ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो प्याज को डाल के 1 मिनट चलाएं। आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का हल्का सफेद दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता इसमें ऑप्शनल है, पर थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालने से ये पास्ता का स्वाद एकदम अनोखा आएगा। 1-2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा लंबाई में कटी हुई गाजर, साथ में थोड़ा सा लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च यानी ग्रीन कैप्सिकम और उसी के साथ यहाँ पे डालें 3 चॉप्ड टमाटर। दोस्तों, ये पास्ता में टमाटर डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टमाटर से इसका ग्रेवी और इसका कलर एकदम मस्त आएगी। तो सारे वेजेस को डाल के इसे सॉटे कर लेना है। दोस्तों, आपको इन वेजेस को थोड़ा सा क्रंची रखना है, इनको ओवर कुक ना करें। आप अपने पसंद अनुसार वेजेस डाल सकते हैं इसमें। 1 मिनट के बाद अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा अजवाइन लेकर इसे हाथों से ऐसे क्रश करके डाल देते हैं।
और उसी के साथ डालें स्वादानुसार नमक। दोस्तों नमक आप थोड़ा सा कम डालें क्योंकि पास्ता को उबालते वक्त हमने नमक डाला था, तो इसीलिए आप नमक स्वादानुसार डाल सकते हैं। अजवाइन का फ्लेवर ये पास्ता को बनाएगा एकदम यूनिक और इसका स्वाद ये पास्ता को बनाएगा और भी टेस्टी। नमक और अजवाइन को वेजीज के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अभी हम इसे ढक के 2-2.5 मिनट पकाएंगे, जब तक टमाटर थोड़ा सा गल ना जाए। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर इसे हम चलाएंगे। अभी आप देख सकते हैं टमाटर हमारा गल गए हैं, तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे एक बहुत ही खास चीज। क्योंकि हम ये पास्ता को एकदम नए स्टाइल में बनाने जा रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे डालेंगे 3 चम्मच खट्टी मीठी दही। पर ध्यान रखें ये दही ज्यादा खट्टी ना हो, खट्टी मीठी दही ले। और दही डालने के साथ साथ गैस का फ्लेम एकदम लो कर दे और उसी के साथ डाले 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे हमारा पास्ता का कलर एकदम जबरदस्त आएगा। तो दही और मसालों के साथ वेजीज को अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर पकाए। दोस्तों आप हमें पूछ सकते हैं कि पास्ता में दही क्यों? क्योंकि हम ये पास्ता को आज एकदम नए स्टाइल में बनाने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसमें थोड़ा सा दही क्यों ना डाला जाए। सच में दोस्तों इसका स्वाद इतना लाजवाब आए है कि मैं क्या बताऊं। आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करके देखें। दोस्तों अक्सर हम पास्ता में चीज क्रीम यूज करते हैं, लेकिन चीज क्रीम ऐसे महंगी चीज ना यूज करके इसके बदले में आप थोड़ा सा दही यूज करके देखें, इसका स्वाद एकदम लाजवाब आएगा। तो दही के साथ वेजीज को लो गैस पे 2 मिनट भूनने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा करके तेल से पैड होना शुरू हो गया है, तो अभी यहाँ पे डाले 1/2 कप पास्ता वाला पानी। मतलब पास्ता को उबालते वक्त जो थोड़ा सा पानी हमने बचा कर रख दिए थे उसी को हमने यहाँ पे डाल दिया है। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाए इसमें डाले हमारा उबले हुए पास्ता। आप देख सकते हैं कुछ देर बाद भी ये पास्ता एकदम स्टिकी नहीं है। तो पास्ता डालने के साथ साथ यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। टोमेटो केचप भी ऑप्शनल है, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो सारी चीजों को पास्ता के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अभी हम कैमरा को जूम करके दिखाते हैं ये पास्ता कितना सॉसी और स्पाइसी बने हैं, और साथ साथ ये वेजीज है एकदम क्रंची जैसे हमें चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से आप पास्ता बनाएं, एकदम नई और यूनिक स्टाइल में ये पास्ता आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर ये पास्ता आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आए है। तो इसको और क्रीमी बनाने के लिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच बटर। बटर अगर आपके पास ना हो तो इसे ना डालें। साथ में थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया, जिससे इसके फ्लेवर में एकदम 4 चांद लग जाएगा। बस सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ग्रेवी के साथ पास्ता को हमने 3 से 4 मिनट पका लिया है, और आप देख सकते हैं गर्मा गर्म सॉसी क्रीमी और बहुत ही टेस्टी नए स्टाइल में बनी हुई यम्मी पास्ता बिल्कुल तैयार है। तो इस वीडियो देखने के बाद झटपट आप इसे बना लीजिए, और आपके पास इस रेसिपी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट है उसी से ही आप ये रेसिपी को आज ही बना लीजिए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।